शहर से 5 किलोमीटर दूर मतदान चौक में हूँ। यहाँ पे लोगों का मतदान बहुत खराब है, यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि बाढ़ के कारण यहाँ पे लोग अपने घर से रोड जाने के कारण बाढ़ की समस्या प्रभावित हो चुके हैं, बाढ़ की समस्या जुड़ चुके हैं। तो मैं यही सब जानकारी लेने के लिए मैं मतदान चौक पहुँचा हूँ। शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बुरी हालात है, यहाँ लोगों के पास खाने के लिए कोई सामान नहीं है, न प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था मिल रहा है, न कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो लोग काम करते हैं उन लोगों का भी नजर अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है। ये लोग बहुत परेशान है, यहाँ तक कि इन लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, प्रशासन की ओर से कोई टीम पहुँची है इलाज के। यहाँ के बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, बातचीत करूंगा कि क्या क्या परेशानी हो रही है इन लोगों को। अब तक खाने पीने के लिए कुछ सुविधा नहीं दी गया प्रशासन की ओर से, आज से लगभग 5-6 दिन से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई जाने कुछ लोगों से मिला था, आप लोग मिले और क्या परेशानी है जाने जानिए आप लोग। कुछ नहीं मिलता है खाने, क्या क्या मिला है आप लोगों को? हम लोग कुछ नहीं मिला अभी तक, किधर से कुछ नहीं मिला। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन? हम लोग कुछ सहायता चाहते हैं। अभी हालात क्या है गाँव का? कितना दिन से जिया? 5 दिन। क्या क्या मिला आप लोगों को प्रशासन की ओर से मदद? अब तक कुछ नहीं मिला है, और पब्लिक के तरफ से पूरा और ये दाल मोटी ये सब मिला है, और ऐसे कुछ नहीं मिला अब तक? और अभी कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे बीमार भी है, लेकिन दवाई वाई का कोई व्यवस्था हुआ है? बीमार है तो हम लोग का कौन दवा करेगा? प्रशासन के लोग अब तक नहीं आए हैं? कोई नहीं। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? अब उनको मर्जी जो करेगा, अब हम कैसे कहेंगे हमको ऐसा वैक्सीन मिलना चाहिए, जो शासन करेगा वही। कोई प्रतिनिधि आया अब तक ML MP कोई? नहीं आया। यहाँ पे मेन रोड में लोग बसे हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों की नजर तक नहीं पड़ते हैं कि क्या हालात है यहाँ पे। बच्चे बीमार है, खाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रशासन है और प्रतिनिधि है इस रोड से रोजाना जाना आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे नजर तक नहीं पड़ती है कि यहाँ के हालात क्या है। घर कहाँ है? क्या परेशानी? प्रशासन की ओर से कुछ मिला सरकार की? बच्चा जो बीमार है इसके लिए दवाई मिला? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। और नुकसान क्या क्या हुआ आपका? नुकसान हुआ गोरू बकरी माल जाल सब नाश गया, घर द्वार भंग गया। प्रशासन की ओर से क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, टोटल कुछ नहीं मिला। बच्चा बीमार है, कोई गुड़िया बीमार है, उन लोगों को दवाई मिला आपको? जा रहे हैं कुछ शॉप वॉप लिए, खाना वाना लेके आएंगे, कुछ खाएगा तो उसी भी जा रहे हैं। आप लोगों का घर कहाँ है यहाँ? यही घर है। नुकसान हुआ है आपका? नुकसान हुआ है आपका? घर का सामान वामान बचा है कि बात है? गाड़ी पकड़ो ना। कहा यहाँ जो आए आने के बाद आप लोगों को क्या क्या मदद मिला सरकार की ओर से प्रशासन की ओर से? दवाई भी नहीं मिला, कोई टीम नहीं पहुंचा है डॉक्टर का, कोई टीम नहीं पहुंचा। रहने का कोई सुविधा नहीं है क्या? खाना बनाने का भी सुविधा नहीं है? प्रशासन की ओर से आपको क्या क्या मदद मिला? कितनी मिला है? मिला आज कल मिला मुड़ी। कितना दिन से यहाँ पे हैं आप लोग? यहाँ पर हम 4 दिन हो गए। 4 दिन? हाँ। 4 दिन में अब तक कोई मदद आप लोगों को नहीं मिला है? नहीं कुछ भी नहीं।
क्या बोलती है वो खाली ऊन मिला है कुछ नहीं मिला अब तो क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों का घर द्वार सब बीमार है बांध पुलिस से बहुत दूर ये दिक्कत है पानी पीता है गंदा पानी पीता है बर्तन वर्तन गंदा पानी से धुला होता है ट्यूबवेल नहीं है पानी पीने का बहुत साधन खराब है और यहाँ बहुत जल्दी ट्यूबवेल चाहिए आदमी बीमार गिरेगा बच्चा सब बीमार गिर रहा है पानी की वजह से बीमार गिर रहा है पानी बहुत खराब निकल रहा है पानी का बहुत दिक्कत है पानी का समस्या बहुत खराब है पानी चाहिए यहाँ ट्यूबवेल चाहिए और आदमी को ये होगा पानी पी के आदमी को राहत मिलेगा थोड़ा सा पानी अच्छा मिल जाएगा तो और कोई बात नहीं है पानी दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बता रहा है कि पानी का प्रॉब्लम इनके कारण जो बीमार जो बच्चे पढ़ रहे हैं सबसे बड़ी परेशानी तो पानी का है क्योंकि यहाँ नदी का पानी पी रहा है नदी का पानी मजबूरी में पी रहा है और उससे बीमार पड़ रहे हैं लेकिन प्रशासन तो है प्रशासन कहाँ है जिला प्रशासन किसी